भारतीय लोक कलाओं का अमृत महोत्सव देशज में पद्मश्री मालिनी अवस्थी की लोक गायन से झूम उठा। दूसरे दिन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक भी मंच पर मौजूद रहे। गोमती नगर स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में आयोजित 3 दिवसीय भारत की लोक कलाओं का अमृत महोत्सव देशज में प्रदेश के कलाकारों से सुशोभित हो रहा है। अमृत महोत्सव को सफल बनाने का काम किया है। मैं ऐसे सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ और जो ये हजारों की संख्या में दर्शकगण, ये आपके बगैर कार्यक्रम सफल होना संभव नहीं था, इसलिए आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने देश की संस्कृति को, अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने हौसला अफजाई करने के लिए बताया गया कि 400 से अधिक कलाकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं। मैं सभी कलाकार भाइयों बहनों का यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विशेष आभार और अभिनंदन करना चाहूंगा माननीय जी का कि इतने बृहद स्तर पर अपने कलाकार साथियों को इकट्ठा करके मुझे पीड़ा रह गई कि काश मैं भी होती वहां। तो मैं अपने सभी भाइयों बहनों को कहता हूं कि कल सब लोग आए और इस कला का लुप्त उठाए, देखें कि भारत की संस्कृति किस प्रकार से दक्षिण से पूरब तक और पूरब से पश्चिम तक भारत को एक सूत्र में पिरोती है। भगवान के श्री यदि हमारे हैं तो केरल में भी है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी है। भगवान रघुवर श्री राम अगर हमारे हैं तो पूरे भारत वर्ष के श्री राम है। आज इस मंच पर हम सबने देखा, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ सोच चिड़ैया के संगठन से जुड़े सभी भाइयों का, बहनों का, कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर आप सबसे मिलने मिलाने का अवसर प्रदान किया और एक ऐसे मंच पर अपने कलाकार भाइयों बहनों का मुझे कला से रूबरू हुआ हूँ जो शायद मैं कभी दूर दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, ये अवसर आपने प्रदान किया, बहुत बहुत आभार धन्यवाद। हमारे मित्र पुष्कर जी बैठे हैं, आपका भी मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और माननीय मंत्री जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अपने दर्शकों का भी ध्यान दिलाना चाहूंगी, ये पीछे मुड़ के देखेंगे तो जितने भी हमारे पीछे स्तंभ है उनमें सब में हमारे जितने भी अधिकारियों को भी नमन किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना साहस क्रांतिकारी में होता है उतना ही साहस कलाकार में होता है। गाते तो सब है, मंच को जीतने के लिए वही हिम्मत चाहिए। संस्कृति का है मैं उपस्थित रहूंगा, ये कहीं ना कहीं सरोकार दिखाता है। ऐसे ही लोग कहना नहीं चाहिए, ऐसे ही लोग सत्ता में होने नहीं चाहिए जो कला और संस्कृति का महत्व भी समझे। और आज की तारीख में देश आगे जा नहीं सकता जब तक अपनी विरासत को लेकर आगे नहीं बढ़े, इस बात को समझे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार पुनः आदरणीय माननीय बृजेश पाठक जी के लिए, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।